स्टूडेंट्स, आज आपने खबर सुनी होगी नेशनल मेडिकल कमीशन वाली, और नेशनल मेडिकल कमीशन वाली जो खबर है उसको लेके बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आ रहा है इस वाले नंबर पे। मेरा जो नंबर है 9667591930। सवाल है शानदार, सनीट एक बार होगा, दो बार होगा, सनीट और एम्स साथ में होगा, जिपर भी साथ में होगा, क्या सिंगल एग्जाम होगा, सर नेक्स्ट क्या है? मोटी मोटी एक दो चीजें समझ लीजिए, मैं आपको क्विकली इस न्यूज की सारी कहानी समझा देता हूं, और फिर मैं दूसरा ये बता देता हूं कि आपको ये चाय पकौड़ा चीजों से बचना है। और क्यों मैं चाय पकौड़ा चीज बता रहा हूं ये भी बता देता हूं। ये बात समझिए कि बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है कि जब आप 5 साल का MBBS करते हैं तो उसके बाद एक एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। इससे पहले आप प्रैक्टिस करें, पेशेंट को बताएं कि वो क्या कर सकता है, कौन सी दवाई लेनी है, उसके इंजेक्शन लगाएं, इससे पहले एक एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। और वो एग्जिट एग्जाम प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सारे लोग को देना जरूरी है, जिससे कोई डॉक्टर बने तो एक लेवल ऑफ क्वालिटी रहे। इस बात के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। जो एडिशनल चीज इस वाले आज जो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है बिल, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अप्रूव होना जरूरी है, और पता नहीं है कि इस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा। मैंने इस न्यूज के अंदर यह पढ़ा है कि गवर्नमेंट कोशिश करी है कि इसी सेशन में वो क्लियर करा ले, पर पता लगेगा। ठीक है, तो बात यह है अभी कि इस वाली चीज में नेक्स्ट के एग्जाम के अलावा जो MBBS के 5 साल के बाद जो होता है, जो करने का प्रोविजन है, उसके साथ गवर्नमेंट ने आज यह भी चीज डिक्लेयर की है कि हम कोशिश करेंगे कि नीट, एम्स और जिपर तीनों का एग्जाम साथ में हो। अभी तक नीट जो है वो एम्स और जिपर के अलावा सारे मेडिकल कॉलेजेस को कवर करता था। एम्स और जिपर क्योंकि पार्लियामेंट के सेपरेट एक्ट के थ्रू बने थे, इस वजह से ऑटोनोमस बॉडीज है और उन्हें नीट के एम्बिट से बाहर रखा गया था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम सारे एग्जाम साथ में लेना चाहते हैं। एक लेवल पे अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि आपको फिर 3 एग्जाम की जगह एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, आपकी मेहनत बचेगी। अब इसका अल्टीमेटली खाका क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको पता चल जाएगा। पर मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि फंडामेंटल चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, फंडामेंटल चेंजेस नहीं होंगे। जब आप अभी कर रहे हैं, एग्जाम अगले साल है, तो बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है अगले साल। हम आपको यह बता सकते हैं कि जो भी चेंजेस NTA या CBSE या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी चेंजेस करती है, उन चेंजेस को हम अपने कोर्स में इंप्लीमेंट करेंगे। जिन भी बच्चों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है उन सबके लिए ये वाले चेंजेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। पहली चीज मैं आपको ये कमिट कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी आपको पता लग जाएगा। यहां पे चाय पकौड़ा आता है। ठीक है, और चाय पकौड़े का मतलब यह है, देख रहे हैं आप ये खबर जो है, चाय पकौड़े का मतलब यह है कि अब आपके पास दो चीजें आप कर सकते हैं। एक चीज आप यह कर सकते हैं, चलो ये खबर मिली नीट ट्रैप पे, किसी और न्यूज चैनल वगैरह पे पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा, और उसके बाद आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लग गए। दूसरा यह है, चाय ली, पकौड़े लिए, दोस्त इकट्ठे किए, रिश्तेदार इकट्ठे किए और टाइम पास करना चालू किया। तो टाइम पास के लिए एक चाय पकौड़ा न्यूज ये हो गई, दूसरी हो गई कुलभूषण जाधव वाली, उसके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के अंदर इंडिया की बड़ी भारी जीत हुई। एक और बहुत शानदार खबर आई है कि आसाम में बाढ़ की वजह से एक शेर जो है वो किसी के घर में घुस गया और उसके बिस्तर पे लेटा पाया गया। यह भी आज की खबर है, जाके देखिए, टाइगर ऑन द बेड है ना, ये सब चीजें भी है। मुद्दा यह है कि आपको इन सब चीजों से, चाय पकौड़ों से दूर रहना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि यह बिल पास होता है पार्लियामेंट में और कुछ भी चेंजेस होते हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको भी अखबारों से पता लग जाएगा। पर अभी अपना फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, बॉटनी पे रखिए। अभी अपना फोकस NCERT पढ़ा, ठीक है, वीडियो देखा, वीडियो के साथ नोट्स लिए, एक ही चीज बार बार, ठीक है, उसके बाद मिनी टेस्ट किया, मिनी टेस्ट के बाद लाइव सेशन अटेंड किया, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन बायो के प्रैक्टिस करे। ठीक है बच्चों, आप यह समझ लीजिए जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन होते रहेंगे। और खबरें आपको पढ़नी है, तमिलनाडु में भी इस चीज के ऊपर कुछ कुछ लड़ाई चल रही है कि सेंटर एक हेजिमोनी बना रहा है सब जगह पे, ये जो यूनिफॉर्मिटी डाल रहे हैं इससे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया पे कब्जे कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी चल रही हैं।
आप आपको टाइम पास करने के अनगिनत बहाने मिल जाएंगे। चाय लो, पकौड़ा लो, मौसम शानदार है, बरसात होना चालू हो गई, गर्मी खत्म हो गई, करते रहो टाइम पास, ठीक है। पर यदि आप अपने करियर के बारे में सीरियस हैं तो आप इन डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़ाई करें। तो आप यदि मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सर वीडियो कोर्स से कैसे पढ़ सकता हूं, दूर दराज के इलाके में रहता हूं, आपके कोर्स के बारे में पता चला, कुछ चैप्टर के वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा, इस कोर्स से पढ़ना चाहता हूं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। आप मेरे से चाय पकौड़े की बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मेरी लाइफ का फोकस है, हम लोग का एक मिशन है, इंडिया में कोई भी बच्चा हो, दूर दराज के इलाके में हो, कहीं भी हो, बेस्ट टीचर से पढ़ पाए, अपनी सहूलियत से, अपनी कन्वीनियंस से पढ़ पाए, पढ़ाई उसके पेरेंट्स के लिए एक बोझ ना बने 3-4 लाख का, और उसके लिए बोझ ना बने कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे टीचर से नहीं पढ़ रहा क्योंकि गली नुक्कड़ में अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, ठीक है। हमारा मिशन है टेक्नोलॉजी के थ्रू इस टाइप का प्रोडक्ट जो हम neetprep.com का ऑफर करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, बच्चों को उस दुविधा से गुजरना ना पड़े, यदि कोई मेधावी बच्चा हो तो इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज ना जा पाए कि उसके पास साधन नहीं थे, आज वो चीज खत्म हो गई। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा एक मिशन है, आपका भी एक मिशन है, आपको फोकस रख के नीट को क्रैक करना है, ठीक है। इस चीज को, कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है आपको, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, चलो न्यूज सुन ली अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, 5-10 मिनट खराब किया चलो आगे बढ़ते हैं, पर प्लीज गाइस अपना फोकस बनाए रखिए, अननेसेसरीली डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जैसा आपको कहा, यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वीडियो से पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, आपको गॉसिप करना है, चिटचैट करनी है, गप्पे मारनी है, प्लीज मुझे कॉल मत करिए। ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी नेशनल मेडिकल कमीशन के बिल से रिलेटेड, वो हम आपको देते रहेंगे, उसकी आप टेंशन मत करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बट प्लीज गो बैक टू स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, बॉटनी, ये आपका भविष्य डिसाइड करेगा। आज तक और ये सब चैनल और दुनिया भर की खबरें और हो अल्लाह, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है बच्चों।